वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 8 के लिए सबक नंबर 20 पढ़ाऊंगी। सबक का नाम है इब्ने सीना। ये सबक एक मजमून है जो कि NCERT इदारे की तरफ से आप सभी बच्चों को इब्ने सीना के बारे में मालूमात फराहम करने के लिए आपके कोर्स में शामिल किया गया है। इब्ने सीना एक बहुत बड़े हकीम थे। तो मैं आपको इस वीडियो में एग्ज़ाम से मुतल्लिक विद क्वेश्चन आंसर विद ग्रामर पूरी ही तैयारी करवाऊंगी। वीडियो स्किप मत करना क्योंकि हर टॉपिक एग्ज़ाम से मुतल्लिक होगा। थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी मैं आपका। सबसे पहले ये अल्फाज मायने फ़रोग देना यानी कि बढ़ावा देना, आगाज़ कहते हैं शुरुआत करने को, हिफ्ज़ करना यानी कि ज़बानी याद करना, फलकियात की तालीम यानी कि सितारों से मुतालिक इल्म, तहकीक कहते हैं खोज या छानबीन को, पलक झपकते ही ज़रा सी देर में मुरतब करना यानी कि तरतीब देना, इशाअत कहते हैं फैलाना या फिर छपाई, और रियाजी कहते हैं आर्थमेटिक या हिसाब, तामिर करवाना यानी कि बनवाना, वक्फ करना यानी कि सोच देना, इजाद करना यानी कि नई चीज़ इन्वेंट करना, फलाह कहते हैं भलाई को, रसदगाहें कहते हैं रसदगाह की जमा यानी कि वे मकाम जहाँ सितारों और सैारों को देखने के लिए ताकतवर दूरबीनें लगाई जाती हैं, ऑब्जर्वेटरी, तिब्बियात मतलब ठोस चीज़ों का इल्म या फिर फिज़िक्स। तो सभी अल्फाज मायने लर्न कर लेना। एग्ज़ाम में आम बोलचाल की भाषा के लफ्ज़ नहीं लिखोगे। बच्चों आपसे एग्ज़ाम में किसी भी सबक का खुलासा लिखने के लिए पूछा जा सकता है कि इब्ने सीना सबक का खुलासा अपने लफ्ज़ों में लिखकर बताओ। खुलासे का मतलब क्या होता है? किसी भी कहानी को शॉर्ट करके पैराग्राफ में पूरी तरह से लिखना। तो एग्ज़ाम में खुलासा आप किस तरह से लिखोगे मैं पढ़कर बताती हूँ। इब्ने सीना बुखारा के करीब एक कस्बे में पैदा हुए। छः साल की उम्र में बाकायदा तालीम की इब्तिदा हुई और 10 साल की उम्र में कुरान शरीफ इन्होंने हिफ्ज कर लिया। इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से साइंस को फ़र्ग दिया। रियासी, मैथ्स, फलसफा, फलकियात का मतलब क्या बताया था अभी मैंने, सितारों से मुतालिक तालीम एक मामूली मशहूर आलिम अब्दुल्ला अन्नातली से हासिल की। इब्ने सीना इल्म तिब्बी यानी कि हिकमत से रिलेटेड इल्म और तहकीकी कामों में बड़ी दिलचस्पी लेते थे। इल्म तिब में वे महारत हासिल होने की वजह से वे एक काबिले हकीम मशहूर हो गए थे। एक दफ़ा का जिक्र है कि बुखारा का बादशाह सख्त बीमार हुआ, यहाँ तक कि जीने की आस बाकी न रहे। इब्ने सीना को बादशाह के इलाज के लिए बुलाया गया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि हकीम साहब के इलाज से बादशाह सेहतियाब हो गया। बादशाह ने खुश होकर इनाम के तौर पर शाही किताब खाने का इंतज़ाम इब्ने सीना के सपुर्द कर दिया। इस वाक्य से उनकी शोहरत में इजाफा हो गया। दूर दूर से लोग उनके पास इलाज कराने के लिए आने लगे। इन्हें इतनी मकबूलियत हासिल हुई कि दूसरे मुल्कों में भी इन्हें इलाज के लिए बुलाया जाने लगा। वे नई नई दवाएं बनाकर उनका इस्तेमाल करके नई नई खोज करते रहते। इब्ने सीना 20 साल के थे कि उनका परेशानियों का दौर शुरू हो गया। वालिद के इंतकाल के बाद बुखारा का बादशाह भी इस जहाँ से कूच कर गया। 1001 ईस्वी में इब्ने सीना बुखारा से जरजान आए। वहाँ उनकी मुलाकात अल बेरूनी, अबू नसर इराकी, अबू सैयद उल्मा और सूफिया से हुई। कुछ अरसे बाद रे चले गए, जगह का नाम है। इसके बाद हमदान और फिर अस्फहान आकर अपनी मशहूर किताबें मुरतब की, लिखी, इकट्ठा की। लगातार सफ़र और परेशानियों की बाईस यानी कि की वजह से उनकी सेहत ख़राब रहने लगी। आखिरी उम्र में हमजा नाकर उनका इंतकाल हो गया। वहीं इनका मकबरा बनाया गया। इब्ने सीना की किताबों में से अल कानून सबसे ज़्यादा मशहूर किताब है। इस किताब में बीमारियों के तफसीली इलाज के नुस्खे और अपने तजुर्बात बयान किए हैं। ये किताब इस्लामी दुनिया में ही नहीं बल्कि यूरोप में भी मकबूल हुई, मशहूर हुई। रियासी और फलकियात से दिलचस्पी होने की वजह से इन्होंने हमदान में रसदगाहें बनवाई। रसदगाहें का मतलब बताया था ना अभी मैंने, ऑब्जर्वेटरी, और इल्म तिब्बियात पर बहुत सी किताबें लिखी। वे बहुत नामी गिरामी साइंसदान थे। इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी साइंस के लिए वक्फ कर दी। इब्ने सीना ने बहुत सी इजादात और इंसानी फलाह के लिए, इंसानी भलाई के लिए कारनामे अंजाम दिए कि रहती दुनिया तक इनका नाम इज्जत से लिया जाता रहेगा जब तक दुनिया रहेगी, यानी कि इनके कारनामों की वजह से ही इनको हमेशा याद रखा जाएगा। तो सबक का खुलासा मैंने पूरा पढ़कर बता दिया है।
अब बच्चों एग्ज़ाम से मुतालिक एक इम्पॉर्टेंट बात कि आपको किसी भी सबक का एक पैसेज दिया जाएगा और कहा जाएगा कि सयाको सबक के साथ तशरीह कर बताओ। तो इबारत पढ़कर सुनाती हूँ, फिर सयाको सबक के साथ तशरीह करना सिखाऊंगी। दरअसल इबारत की तशरीह सयाको सबक के साथ कीजिए। इब्न सीना को इल्म तिब्बी और तहकीक से बड़ी दिलचस्पी थी। इन्होंने तिब में बड़ी महारत हासिल की थी, यानी कि हिकमत में ये हकीम थे और इस इलाके में एक काबिल हकीम की हैसियत से पहचाने जाने लगे। एक बार का वाकया है कि बुखारा का बादशाह इतना बीमार हो गया कि इस वक्त के तमाम तिब्बियों ने जवाब दे दिया। इब्न सीना को बादशाह की इलाज की खर्च से तलब किया गया। इब्न सीना जी लगा कर ऐसा इलाज किया कि कुछ ही दिनों में बादशाह सेहतियाब हो गया। बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने इनाम के तौर पर इब्न सीना को शाही कुतुब खाने का नाज़िम मुकर्रर कर दिया। इस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 16 या 17 साल की थी। इस वाक्य से इब्न सीना की शोहरत में 4 चांद लग गए। अब दूर दूर से लोग इनके पास इलाज कराने की गर्ज से आने लगे। इन्हें दूसरे मुल्कों में भी बुलाया जाने लगा। वे नई नई दवाएं बनाते और उनका इस्तेमाल करके उन पर तहकीक भी करते। इबारत पढ़ के बता दी है, अब सयाको सबक के साथ तशरीह करना सिखाऊंगी। तो सयाको सबक में एग्ज़ाम में लिखोगे कि मंदरजा बाला इबारत दरसी किताब जान पहचान के सबक इब्न सीना से ली गई है। बच्चों तशरीह करने का मतलब क्या होता है, जो अभी मैंने आपको इबारत पढ़कर बताई थी उसका खुलासा कर समझा कर बात को कहना और या लिखना। तशरीह में लिखेंगे, इस इबारत में बताया गया है कि इब्न सीना उस ज़माने के साइंसदान थे जब इल्म ने ज़्यादा तरक्की हासिल नहीं की थी। वे एक सहीन इंसान थे। अपनी मेहनत, लगन और साहिलियत की बदौलत उन्होंने तिब की तहकीकी कामों में बड़ी दिलचस्पी ली। रफ्ता रफ्ता वे इलाके के काबिल हकीम तस्लीम किए जाने लगे। होते होते उनकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। एक मरतबा का जिक्र है कि बुखारा का बादशाह सख्त बीमार हुआ, यहाँ तक कि वे जीने की आस भी बाकी ना रही। सभी नाउम्मीद हो चुके थे। आखिरकार इब्न सीना को बादशाह के इलाज के लिए बुलाया गया। इब्न सीना ने जी जान से उनका इलाज किया। अल्लाह के फजल से बादशाह सेहतियाब हो गया। बादशाह ने खुश होकर इब्न सीना को इनाम के तौर पर शाही कुतुब खाने का इंतज़ाम सौंप दिया। इस वक्त उनकी उम्र 16 से 17 साल थी। इस वाक्य ने उनकी शोहरत में इजाफा कर दिया और दूर दूर से लोग उनके पास इलाज के लिए आने लगे और इब्न सीना को भी दूसरे मुल्कों में इलाज के लिए बुलाया जाने लगा। वे नई नई दवाएँ बनाकर उनका इस्तेमाल करते और मुसलसल यानी कि लगातार खोज के कामों में लगे रहते। अब इस सबक का एक और पैराग्राफ है, इसको भी सयाको सबक के साथ तशरीह कर बतानी है। तो पहले इबारत पढ़ती हूँ। इत्मीनान और खुशहाली का ये ज़माना पलक झपकते ही गुजर गया। वे 20 बरस के थे कि वालिद का साया सर से उड़ गया। वालिद के इंतकाल के कुछ ही दिनों बाद बुखारा का बादशाह भी चल बसा। यहीं से इब्न सीना की परेशानियों का दौर शुरू हुआ। 1001 ईस्वी में इब्न सीना बुखारा से जर्जान आ गए। यही उनकी मुलाकात अलबेरोनी, अबू नसर इराकी और अबू सईद जैसे उलमा से और सूफिया से हुई। कुछ अरसे यहाँ गुजारने के बाद वे रे चले गए और वहाँ से हमदान का रुख किया। यहाँ लंबा अरसा परेशानियों में गुजरा। फिर अस्फहान आए, यहाँ उन्होंने अपनी मशहूर किताबें मुरतब की। लगातार सफ़र, मेहनत और मुसलसल परेशानियों की वजह से उनकी सेहत ख़राब रहने लगी। आखिरी उम्र में वे फिर हमदान आ गए, जहाँ उनका इंतकाल हो गया। आज भी उनका मकबरा वहाँ मौजूद है। तो सबसे पहले सयाको सबक लिखेंगे। सयाको सबक में लिखना है कि मंदरजा बाला इबारत दरसी किताब जान पहचान के सबक इब्न सीना से ली गई है। तशरीह करेंगे। तशरीह का मतलब अभी बताया था कि जो इबारत पढ़कर मैंने सुनाई है, यानी कि जो इबारत एग्ज़ाम में लिखी हुई हो उसका खुलासा कर समझा कर बात को कहना लिखना। तो तशरीह में लिखोगे कि इस इक्तिबास में बताया गया है कि इब्न सीना 16 या 17 साल के थे। उनकी ज़िंदगी खुशहाली से गुजरी, लेकिन यह खुशहाली और सुकून का ज़माना बहुत जल्द गुजर गया। जब वे 20 साल के थे तब उनके वालिद का इंतकाल हो गया और कुछ दिनों बाद बुखारा के बादशाह भी इस दुनिया से कूच कर गए। इन दोनों के इंतकाल के बाद इब्न सीना को परेशानियों का सामना करना पड़ा। 1001 ईस्वी में इब्न सीना बुखारा छोड़कर जर्जान आ गए। यहाँ आकर उनकी मुलाकात अलबेरोनी, अबू नसर इराकी और अबू सईद जैसे उलमा और सूफिया से हुई। जर्जान में भी कुछ अरसे तक रहे, इसके बाद रे चले गए। इसके बाद हमदान का रुख किया और यहाँ उन्होंने एक लंबा अरसा परेशानियों में गुजारा। फिर अस्फहान आने के बाद इन्होंने अपनी किताबें मुरतब की। मुसलसल सफ़र, मेहनत और परेशानियों का सामना करते करते इनकी सेहत ख़राब रहने लगी और वे वापस आकर हमदान आ गए। यहीं इनका इंतकाल हुआ, वहीं इनका मकबरा बनाया गया।
अब बच्चों एग्ज़ाम से मुतालिक एक दूसरी बात की, आपको किसी भी चैप्टर का एक पैसेज दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इस पैसेज को पढ़कर कुछ सवालों के जवाब दो, तो इससे आपके एडिशनल क्वेश्चन आंसर की तैयारी हो जाएगी। मंत्र जैसे लिखते बास को गौर से पढ़िए और दिए गए सवालों के जवाब दीजिए। इब्न सीना ने साइंस पर बहुत सी किताबें लिखीं, इसके अलावा इल्म तिब पर भी किताबें लिखीं, जिनमें सबसे ज़्यादा मशहूर किताब अल कानून है। इस किताब में बीमारियों की तफसीलात, इलाज के नुस्खे और इस सिलसिले में अपने तजुर्बात बयान किए हैं। दुनिया की दूसरी जबानों में भी इस किताब के तर्जुमे हो चुके हैं। अल कानून की इशाअत के बाद 600 साल तक इस्लामी दुनिया में ही नहीं यूरोप में भी इस तिब की तालीम इब्न सीना की इसी किताब से दी जाती रही। रियाजी और फलकियात से भी इब्न सीना को बहुत दिलचस्पी थी। इन्होंने हमदान में सदर गाह तामी तिब्बत पर इनकी गहरी नज़र थी, इस मौजू पर भी इन्होंने किताबें लिखी। इब्न सीना ने अपनी सारी ज़िंदगी साइंस के लिए वक्फ कर दी। इन्होंने बहुत सी इजादात की और इंसानी फलाह के बहुत से काम किए। सवाल एक, इब्न सीना की मशहूर किताब का क्या नाम है? जवाब, इब्न सीना की मशहूर किताब अल कानून है। सवाल दो, इब्न सीना को किस चीज़ से दिलचस्पी थी? इब्न सीना को रियाजी, फलकियात, इल्म तिब और तहकीकी कामों में बड़ी दिलचस्पी थी। सवाल नंबर तीन, अल कानून की शोहरत की क्या वजह थी? अल कानून में बीमारियों की तफसीलात, इलाज के नुस्खे और उस सिलसिले में इब्न सीना के अपने तजुर्बात दर्ज हैं। दूसरी जबानों में भी इस किताब के तर्जुमे होने से अल कानून को शोहरत हासिल हुई। सवाल चार, इब्न सीना ने अपनी सारी ज़िंदगी साइंस के लिए वक्फ क्यों कर दी? जवाब, इब्न सीना को इल्म तिब और तहकीकी कामों में ख़ास दिलचस्पी थी। तिब कहते हैं हिकमत की पढ़ाई को। इन्होंने साइंस पर बहुत सी किताबें लिखी और बहुत सी इजादात की और अपनी सारी ज़िंदगी साइंस के लिए वक्फ कर दी। सवाल नंबर पाँच, अल्फाज मायने हैं। इशाअत यानी कि फैलना, वक्फ करना, सौंप देना, तामीर करना यानी कि बनवाना। इशाअत यानी कि फैलाना। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर, सवाल नंबर एक, बू अली सीना किस शहर में पैदा हुए? ये किस शहर के मुल्क में वाक़ है? बू अली सीना बुखारे के करीब एक कस्बे में पैदा हुए। सवाल नंबर दो, बू अली सीना की बाकायदा तालीम का आगाज़ कहाँ से हुआ? बू अली सीना की बाकायदा तालीम का आगाज़ 6 साल की उम्र से हुआ। सवाल तीन, इब्न सीना ने किन किन उलूम में महारत हासिल की? इब्न सीना ने रियाजी, फ़लसफ़ा, फलकियात, तिब और तिब्बियात में महारत हासिल की। सवाल चार, बादशाह इब्न सीना से क्यों खुश हुआ? बादशाह के सख्त बीमार होने पर उसके जीने की उम्मीद ना रही तो इब्न सीना ने जी लगाकर जी जान से बादशाह का इलाज किया। कुछ ही दिन बाद बादशाह सेहतियाब हो गया। ये देखकर बादशाह इब्न सीना से बहुत खुश हुए। सवाल नंबर पाँच, इब्न सीना की मुलाकात किस उलमा से हुई? इब्न सीना की मुलाकात अल बेरूनी, अबू नसर इराकी और अबू सईद जैसे उलमा से हुई। सवाल छः, इब्न सीना की मशहूर किताब का नाम अल कानून है। अब ग्रामर से रिलेटेड पार्ट आ गया है। नीचे वाहिद जमा है, वाहिद बनाने हैं। उल्मा का होता है आलिम, इनामात का इनाम, तजुर्बात का तजुर्बा, मुतहक्किन का मुतहक्किक, अखराज का खर्ज। अब लफ्ज़ों से जुमले बनाने हैं। आगाज़, किसी भी काम का आगाज़ अल्लाह के नाम से करना चाहिए। आलिम, अमीर खुसरो बहुत बड़े सूफ़ी और आलिम थे। तामिर, शाहजहाँ को इमारतें तामिर कराने का शौक़ था। नेक्स्ट है इशाअत, कुरातुल अन हैदर के अफसानों के पहले मजमू की इशाअत यानी कि छपाई 1947 में हुई। तहकीक, साइंस का एक अहम काम तलाश व तहकीक करना है। नीचे दी हुई मिसाल के मुताबिक हर लफ्ज़ के आखिर में इत लगा कर जमा बनाएँ, जैसे कि तफसील जमा, अलिफ और ते तफसीलात, तफरियात, इजादात, इनाम के अंदर अलिफ और ते लगा कर इनामात, तोको का तोकुआत, तामिर का तामिरात। तो बच्चों ये अमली काम है। तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर ये आपको आपके लिए यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना।